जंगल बड़ा ही सुंदर और हरा भरा था। उस जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। अरे वाह कालू मियां, ये भोजन तो बड़ा ही स्वादिष्ट है। इस तरह का भोजन रोज लाकर दिया करो। अरे रानी, इस तरह का भोजन रोज नहीं मिल सकता। आज तो टूनी चिड़िया घर पर नहीं थी, तो मैं उसका भोजन चुरा कर ले आया। टूनी चिड़िया का भोजन बड़ा ही मजेदार होता है। अरे हमारे जंगल में चोरियां कितनी बढ़ गई हैं। पता नहीं कौन सुबह सुबह मेरा भोजन उठाकर ले गया। अब मुझे फिर जंगल से भोजन लेकर आना होगा। टूनी चिड़िया भोजन तलाश करने चली जाती है। उसी जंगल में एक ईगल पिंजरे में फंसा हुआ था, जिसको कोई पिंजरे में डालकर वहीं छोड़कर चला गया था। उसको बहुत ज्यादा भूख और प्यास लगी थी। अरे कोई है यहाँ पर, मेरी मदद करो, मैं यहाँ फंस गया हूँ। मैं वचन देता हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। कोई मेरी मदद करो, मुझे भूख लगी है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। टूनी चिड़िया ने उस ईगल की आवाज़ सुन ली और उसके पास आ गई। अरे ईगल भैया, आप यहाँ पिंजरे में कैसे बंद हो गए? अरे टूनी चिड़िया, एक दुष्ट शिकारी मुझे इस पिंजरे में बंद कर गया है। तुम मुझे इस पिंजरे से निकाल दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। बल्कि इस पिंजरे से निकलने के बाद मैं ये जंगल छोड़कर चला जाऊँगा। अरे मैं भला तुम पर विश्वास कैसे करूँ? मुझे पता है तुम बाहर निकलते ही सबसे पहले मुझे खाओगे। अरे नहीं टूनी चिड़िया, मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। ठीक है ईगल भैया, मैं तुम्हें निकाल देती हूँ, लेकिन तुम अपना वचन याद रखना। उसके बाद टूनी चिड़िया उस ईगल को पिंजरे से बाहर निकाल देती है। अरे वाह टूनी चिड़िया, तुमने तो कमाल कर दिया। मैं इतने दिनों से यहाँ फंसा हुआ था, तुमने मुझे आजाद कर दिया। अब मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, क्यों ना मैं तुम्हें ही खा लूं। परंतु ईगल भैया, आपने मुझे वचन दिया था कि आप मुझे नहीं खाएंगे। अरे वचन वचन तो बाद में आता है, पहले तो पेट आता है। अरे ईगल भैया तो अपना वचन भूल गए हैं। अब मेरे पास बचने का एक ही रास्ता है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। उसके बाद टूनी चिड़िया वहाँ से भाग जाती है और ईगल भैया उसके पीछे पीछे लग जाते हैं। अब टूनी चिड़िया आगे आगे और ईगल भैया पीछे पीछे थे। बहुत देर गुजरने के बाद आखिर चिड़िया अपने घर पहुंच जाती है। अरे बाप रे बाप, आज तो बड़ी मुश्किल से जान बची, परंतु मैंने उस ईगल को आजाद कर दिया। अब वो पता नहीं जंगल के कितने पक्षियों को मारेगा, मुझे उसका कुछ करना होगा। टूनी चिड़िया जंगल के तमाम पक्षियों को इकट्ठा कर लेती है। मेरे प्यारे जंगल वासियों, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने एक ईगल को आजाद कर दिया है और अब वो जंगल में आजाद घूम रहा है। अरे टूनी चिड़िया, हम तो तुम्हें बड़ी बुद्धिमान समझते थे, लेकिन तुम तो बड़ी ही मूर्ख हो। तुमने जंगल के तमाम पक्षियों को खतरे में डाल दिया, अब भला हम उस ईगल को कैसे काबू करेंगे? मेरे दोस्तों, मैं उस ईगल को काबू कर सकता हूँ। टूनी चिड़िया, तुम मुझे उस ईगल के पास ले जाओ। अबे चुप कर, तू तो पहले ही उल्लू है, तू क्या उस चील को काबू करेगा? कव्वे भैया किसी को ऐसा नहीं बोलते। उल्लू भैया आप बताएं कि आप कैसे उस ईगल को काबू करेंगे? मैं बताऊंगा नहीं, बल्कि काबू करके दिखाऊंगा। तुम मुझे उसके पास ले चलो। टूनी चिड़िया उस उल्लू को ईगल के पास ले जाती है। अरे टूनी चिड़िया, उस दिन तो तुम बच गई, लेकिन आज नहीं बचोगी। आज मैं तुम्हें खा जाऊंगा और साथ में इस उल्लू को भी खा जाऊंगा। ईगल भैया, उस दिन चिड़िया ने आपको पिंजरे से निकाला था, लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि उसने आपको पिंजरे से कैसे निकाला। अरे तुम्हें समझ इसलिए नहीं आई क्योंकि तुम एक उल्लू हो। अगर तुम्हें समझ आती हो तो कोई तुम्हें उल्लू क्यों कहे, हा। अरे ईगल भैया, अगर आप ज्यादा बुद्धिमान हैं, तो आप मुझे समझा दें कि उस दिन टूनी चिड़िया ने आपको पिंजरे से बाहर कैसे निकाला। अरे नन्हे उल्लू सुनो, मैं पिंजरे में बंद था और टूनी चिड़िया जा रही थी, तो मैंने आवाज देकर इसको बुलाया और कहा कि मुझे आजाद कर दो, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। तो ये चिड़िया मेरे जाल में फंस गई और उसने मुझे पिंजरे से बाहर निकाल दिया। नहीं, मुझे अभी भी समझ नहीं आई कि टूनी चिड़िया ने आपको पिंजरे से बाहर कैसे निकाला। और ज्यादा अच्छे से समझाएं, मुझे तो लगता है आपको समझाना ही नहीं आता। अरे नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बड़ी अच्छी से समझा सकता हूँ। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सब कुछ करके दिखाता हूँ।
फिर तुम्हें समझ आएगा। उसके बाद मैं तुम दोनों को खा लूंगा। उसके बाद ईगल कुछ को उसी पिंजरे में बंद कर लेता है। देखो उल्लू, मैं इस तरह इस पिंजरे में बंद था, उसके बाद मैंने टूनी चिड़िया को बुलाया। चलो टूनी चिड़िया, अब जल्दी से मुझे इस पिंजरे से निकाल दो। अरे ऐसे कैसे पिंजरे से निकाल दें? इतनी मुश्किल से तो तुम पिंजरे में फंसे हो। लो टूनी बहन, आपका काम हो गया। मैंने इस ईगल को पिंजरे में बंद कर दिया। अब दोबारा कभी भी इसको बाहर मत निकालना, वरना ये तमाम पक्षियों को मार देगा। उसके बाद टूनी चिड़िया और उल्लू वहाँ से चले जाते हैं और ईगल वापस पिंजरे में बंद हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें अपना वचन नहीं तोड़ना चाहिए,